मैच हारने के बाद भी टीम इंडिया को मिल गई करोड़ों की दौलत। सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई टीम इंडिया, फिर भी खिलाड़ी हो गए मालामाल। आखिर टीम इंडिया को हारने के बाद भी कितना मिला पैसा और क्यों हार गई टीम? टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद करोड़ों लोगों की उम्मीद पर पानी फिर गया। हर तरफ इंडिया की जीत को लेकर जो शोर हो रहा था वो थम गया है, क्योंकि अब तक जो टीम नंबर वन पर चल रही थी वो विश्व कप का सेमीफाइनल तक नहीं जीत पाई। इंडिया की हार से बेशक करोड़ों लोगों का दिल टूट गया हो, लेकिन हारने के बाद भी टीम इंडिया मालामाल हो गई है, क्योंकि प्राइज मनी में करोड़ों की दौलत मिल गई। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। गुरुवार 10 नवंबर को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें टूट गई। जिन्हें टीम के खिताब जीतने का इंतजार था, वो इंतजार बस इंतजार ही बनकर रह गया। लेकिन कुछ भी हो, इंडिया बेशक विश्व कप का सेमीफाइनल तक हार गई, पर इसके बाद भी उसे करोड़ों रुपए मिल गए। अब 13 नवंबर को होने वाले इस फाइनल मुकाबले में इंग्लिश टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। बता दें, सेमीफाइनल मुकाबले हारने के बावजूद भी टीम इंडिया को बम्पर प्राइस मनी मिलने वाली है। भारतीय टीम को पहले तो सेमीफाइनल तक पहुंचने के चलते $4,00,000 मिलेंगे। साथ ही सुपर ट्रायल स्टेज में भी इंडिया टीम ने 5 में से 4 मैच जीते, जिसके चलते उसे $1,60,000 की प्राइस मनी मिलेगी। यानी कि भारत को T20 वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 4.51 करोड़ रुपए की इनाम मिलने वाली है। लेकिन टीम इंडिया की अंग्रेजों से ये शर्मनाक हार की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इतना ही नहीं, लोग ये तक कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि टीम इंडिया फाइनल से पहले ही इंग्लैंड से हार गई। कहीं फाइनल में पहुंच जाती और फिर पाकिस्तान से हार जाती तो फिर तो और भजियत हो जाती। खैर, जो भी हो, हार गई तो क्या हुआ, करोड़ों रुपए तो मिल गए हैं। अब आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टीम इंडिया की हार से आप क्या सोचते हैं और इस हार की वजह क्या हो सकती है।